नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी प्रत्याशियों को हार का डर सताने लगा है। कई प्रत्याशियों ने अपने ही नेताओं पर चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया है, जिससे बीजेपी के साथ साथ प्रत्याशियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी नेताओं के आरोप से पार्टी का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत अपनों ने ही तो बेकार नहीं कर दी। पैकेज देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव निपट जाने के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी के प्रत्याशियों के तीखे तेवर सामने आ रहे हैं। सोमवार को लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर अपने चुनाव में हार की साजिश रचने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। अब कुमाऊं मंडल से पार्टी के दो और विधायकों ने चुनाव में भीतर घात का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वालों में पहले पार्टी विधायक कैलाश गहतोड़ी है। गहतोड़ी का आरोप है कि संगठन के कुछ लोगों ने चुनाव में बीजेपी के बजाय दूसरे दलों के प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाया। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी भीतरघात की बात कही है। चीमा का कहना है कि काशीपुर में मतदान घटने का एक बड़ा कारण कुछ बीजेपी के गद्दारों का दुष्प्रचार रहा। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है, बहुत बड़ी पार्टी है ये और इसमें कुछ लोग जो है क्योंकि चुनाव के दौर में पुनवा बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें कुछ लोग अंदर आए भी, लेकिन उनने और उनकी टीम ने काम अच्छा नहीं किया। कुल मिला करके काफ़ी वो रही हमारे साथ, लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया, बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले और हम इस बात को अपने फोरम में ज़रूर रखेंगे, पार्टी फोरम में। हमारा विरोध नहीं है कुछ कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में मची रार और भीतरघात के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं किसी तरह का विरोध नहीं है, बड़े नेताओं को चाहिए कि वो अपना पक्ष पार्टी में उचित फोरम पर रखें और किसी भी तरीके से इस तरीके के बयान देने से बचे। देखिए, कहीं पर कोई भीतरघात नहीं है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से काम किया है और सभी लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासन प्रिय पार्टी है, सभी लोग जानते हैं और सभी को एक उचित प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखनी चाहिए और कोई भी हो सारे तथ्यों की जांच पार्टी करवाएगी, किस ने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इन सब चीज़ों पर पार्टी ने संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से सभी को अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म में। वहीं बीजेपी के कुनबे में मची रार पर कांग्रेस के नेता चुटकी ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही बीजेपी के नेता हार मान चुके हैं। अब जिस राजनीतिक दल के तीन तीन प्रत्याशी खुल करके जो है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मैदान में है और तब भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कही है, वैसे तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं तो लगातार इस बात को कहता रहा कि भाजपा में सब चीज़ें सामान्य नहीं है,
वहां पर अंतर विरोध बहुत ज्यादा है और वो चुनाव के बाद आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में अब की बार 60 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी में मतदान के बाद परिणाम आने से पहले ही बीतरघात और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इससे जहां असहज हैं, वहीं ये सीधे तौर पर इशारा भी है कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब मतदान के बाद परिणाम और भी चीजों को साफ करेंगे, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि एक मंत्री भी अब संगठन के खिलाफ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लालकुआ सीट से प्रत्याशी हरीश रावत ने अपने मन की बात जुआ पर ला ही दी है। मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत अब भी बाकी है। भले ही सार्वजनिक तौर पर हरीश ये कह रहे हैं कि पार्टी अगर जीती तो मुख्यमंत्री तय करना आलाकमान के हाथों में ही होगा, लेकिन अपनी फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने घसियारी बहनों के सम्मान की बात कहकर ये जरूर जता दिया है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने मंगलवार को फेसबुक पेज पर वीडियो जारी कर कहा कि सुबह आंख खुलते ही उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आई। उनकी स्मृतियों ने मुझे गरीबों की मदद करने की हमेशा प्रेरित किया। उत्तराखंड की बहनें जो जंगल से घास और लकड़ी लेकर आती हैं, वो काफी संघर्ष करती हैं। अगर सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी मां को समर्पित उनके लिए घसियारी सम्मान पेंशन जरूर लाऊंगा, चाहे इसकी शुरुआत 500 से ही क्यों ना हो। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूँ। और उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने न्यूज वन इंडिया विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस में सीएम पद के चेहरे को लेकर कहा कि आला कमान तय करेंगे। लगातार से 5 बार के विधायक और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद क्या स्थितियों का आकलन वो कर रहे हैं, इनसे समझते हैं और अब आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की किस तरह होगी। हालांकि परिणाम आने में वक्त है। सर, जो पोल प्रतिशत हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं और इसके क्या मायने निकाले जाएं? नहीं देखिए, लोगों ने जो है मतदान में हिस्सा लिया है और जो वोट परसेंटेज है और जो आम जन की आवाज़ इस चुनाव में उभर करके आ रही थी वो सीधा स्पष्ट संकेत था कि 2022 में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। जो वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से किए उन वादों को पूरा नहीं किया। लोग त्रस्त थे और इसलिए बदलाव होगा और 2022 में कांग्रेस जो सरकार बनाने जा रही है। भाजपा अभी भी आश्वस्त है कि वोट उनके पक्ष में पड़ा है। क्यों ना हो आश्वस्त, वो 10 तारीख से पहले हार थोड़ी मानेंगे, तो 10 के बाद ही हार मानेंगे। सर, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो मदन गुप्ता, चाहे लक्सर सीट से विधायक हों संजय गुप्ता, चाहे कैलाश गहतोड़ी हों और चाहे काशीपुर से विधायक हों, ये तीनों लोग पार्टी नेताओं पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, ये आखिर क्या मैसेज है? जबकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबसे ज्यादा संगठित हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत सही नेतृत्व में बहुत सही काम करते हैं, आखिर क्या वजह है? अब जिस राजनीतिक दल के 3-3 प्रत्याशी खुल करके जो है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मैदान में है और तब भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कही है, वैसे तो ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं तो लगातार इस बात को कहता रहा कि भाजपा में सब चीज़ें सामान्य नहीं है, वहाँ पर अंतर विरोध बहुत ज़्यादा है और वो चुनाव के बाद आपको दिखाई दे रहा है। सर, क्या कोई भीतरघात है भाजपा के अंदर आपको लगता है? अब ये तो वो जाने भाई, जब प्रत्याशी खुल करके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं तो फिर भीतरघात ही हुआ होगा ना, और क्या हुआ होगा? और अगर भीतरघात ना होता तो फिर क्यों आरोप लगाते?
हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर कांग्रेस में हरीश रावत जी कह रहे हैं या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठूंगा, और पूर्व में भी वो कहते रहे हैं कि कैंपेन प्रमुख मैं हूं, कैंपेन प्रमुख मैं हूं। उनके समर्थक भी कहते रहे कि चेहरा हरीश रावत है, इनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा, सीएम यही बनेंगे। आखिर इसमें कितनी सत्यता है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, कांग्रेस ने समय समय पर कई राज्यों में जो है चेहरा भी घोषित किया है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। हरीश रावत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं सीएलपी के रूप में कार्य करता हूँ, सब लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ा। हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेगा सब लोग उसके साथ लाभबद्ध होंगे। राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है कोई स्थान नहीं रखती। एक विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था मेरा चेहरा क्या बुरा है, वो मैंने इसलिए नहीं कहा था, आप बार बार क्रोध क्रोध के पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था जब आपने कहा चेहरे की बात, तो उस समय कई चीजें हास प्रयास में भी तो होती हैं, और आप पत्रकार लोग जो उसको अगर सीरियसली लेने लगेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। प्रीतम सिंह जी थे नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, इन्होंने साफ कहा है कि पार्टी का जो आला कमान है वो मुख्यमंत्री पद पर निर्णय लेगा, हालांकि जो पार्टी का आला कमान का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी अपने समर्थकों के साथ धूप का आनंद लेते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। उन्होंने दावा किया कि अपने चुनाव में एक रुपये भी शराब या नशे के पदार्थ को उन्होंने नहीं बांटा, जिसके लिए वो माँ गंगा की सौगंध भी खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये बात साबित कर दे तो वो नीति छोड़ देंगे। मैं सम्मानित हरिद्वार के मतदाताओं का आभारी हूं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये हरिद्वार की समस्त जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव था, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड पुलिस ने आचार संहिता में 532 अपराधियों को गिरफ्तार कर 3 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की है। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था। इस दौरान चुनावों को प्रभावित करने वाले कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने चुनावों में आचार संहिता उल्लंघन के भी 190 मुकदमे दर्ज किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि चुनाव हमारा कुल मिला के शांतिपूर्वक बीता है और कोई बड़ी हिंसा की कोई घटनाएं नहीं हुई है। जहाँ तक बात करें पूरे इलेक्शनरिंग के दौरान, जब से आचार संहिता लगी थी 8 जनवरी को, उससे लेकर 14 फरवरी चुनाव होने तक हमने 1203 लोगों को अवैध शराब में पकड़ा है, 61,000 लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ी गई है, 211 लोगों को ड्रग्स में पकड़ा है, 237 लोगों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है, हमने 1307 NBW का तामिला किया है, 45,000 से ज़्यादा लोगों को हमने शांति भंग की आशंका में बाउंड डाउन करवाया है, 3 करोड़ से ज़्यादा कैश पकड़ा है, पर कैश का ये ज़रूरी नहीं है कि चुनाव से संबंधित था, और कुल हमने 532 वांछित गिरफ्तार किए, 511 लोगों को गुंडा एक्ट में चालान किया और 219 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। ओवरऑल जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई थी, 392 लोगों को निरोधात्मक गिरफ्तार किया है। हम मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, तो वो उन पर जो है विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, विवेचना होगी। अगर मुकदमा सही है तो उसमें अरेस्ट भी होगा और चार्जशीट भी होगा, अगर मुकदमा गलत लिखवाया है तो FIR भी लग सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।
भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतू को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग, 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा, उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। समर कूल, गर्मी में दे सर्दी का एहसास। समर कूल, गर्मी में दे सर्दी का एहसास। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त बात रोगों से मुक्ति पाइए। 9 सैनिटरी नैपकिंस एंड बेबी केयर प्रोडक्ट्स फॉर यू एंड योर बेबी। 9 सैनिटरी नैपकिंस। भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, क्यों, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच, MDH, MDH। इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना से लड़ने के साथ साथ सर्दी जुकाम व बुखार के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है पतंजलि गिलोय खनवटी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यूपी टू पंजाब, समीकरण बैठाने का हिसाब किताब। सत्ता के केंद्र में दले, किसका करेंगे हित? पीक पर इलेक्शन, भारी भरकम वोट का कनेक्शन। सियासी जत्था, संत के दर पर टेका मत्था। आस्था या सियासी आडंबर, रात 8 बजे बात में दम है। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करते अगली खबर का। पहाड़ों की रानी मसूरी का इतिहास काफी समृद्ध है, जिसकी तस्दीक खुद लोग करते दिखाई देते हैं। यहाँ मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने 1975 में अपने 4 दोस्तों के साथ मसूरी से दिल्ली तक का करीब 320 किलोमीटर का सफर रोलर स्केटिंग से 5 दिनों के अंदर तय किया था। गोपाल भारद्वाज इस दिन को हमेशा कुछ खास लोगों को डेडिकेट करते हैं। इस बार उन्होंने मशहूर गायिका लता मंगेशकर को यह दिन समर्पित किया है। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज का कहना है कि लता मंगेशकर पूरी दुनिया में अनमोल गायिका थी, उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है और ना ही इस दुनिया में उनका कोई मुकाबला कर सकता है। आज भी उनके गाए हुए गीत लोगों को बहुत पसंद है, उनके गीत मन को सुकून देते हैं। उन्होंने कहा कि बेशक लता मंगेशकर इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। गवर्नमेंट का इसमें बिल्कुल वो नहीं है, गवर्नमेंट एक बार कहती है फिर अगले दिन ही भूल जाती है कि मुझे क्या करना है। बड़े बड़े पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, उसका रिबन काट के उद्घाटन किया जाता है, या कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट को कंप्लीट कर दिया जाता है, उसके बाद भूल दिया जाता है। वो भूतिया बन जाते हैं जो स्टेडियम बनाए जाते हैं। सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा ध्यान जाए। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें तो थोड़ा बहुत अभी भी स्केटिंग पे बच्चों के उस पर करिकुलम में एक रखा गया है, या वीक में 2 क्लासेस रख देते हैं, लेकिन जैसे सरकारी रूप से इस पर कोई किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, ना स्पोर्ट्समैन को सरकार कोई एनकरेज कर। और हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को हर की पैड़ी और गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली। कोरोना के चलते सभी व्यापारियों के व्यापार में मंदी आ गई थी। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान। मसूरी में सीओ पल्लवी त्यागी ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मालखाना, मालों की स्थिति समेत शास्त्रों की
जांच की। उन्होंने गुणवत्ता की जांच के साथ साथ सीसीटीएनएस की कार्य प्रणाली समेत साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। सीओ पल्लवी त्यागी ने इसके बाद थाने में कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और चेकिंग के दौरान आम जनमानस के साथ शालीनता से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों के भीतर बनाए गए एक्शन प्लान को ग्राउंड पर चेक किया जाएगा, जिससे पर्यटन सीजन में ट्रैफिक की दिक्कतें नहीं होंगी। इस मौके पर मसूली कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा, एसआई गुमान सिंह, एसआई विनय शर्मा भी मौजूद थे। मैंने उस समय जब मुझे पेटवाल जी ने बुलवाया हॉस्पिटल में, फ़ोन करा कि आप आ जाइएगा और एक प्रसव है, तो मैंने किसी को नहीं देखा, बहुत भीड़ थी यहाँ पे और अंदर गई। मुझे बस उस समय दिल दिमाग में यही था कि मुझे उसकी जान बचानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे, हमारी नियुक्ति है, जो मेरा पेशा है कि हमने ये मानवता की सेवा करनी है। तो बाकी मेरे सहयोगी जो थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया, उनकी वजह से भी मुझे हौसला मिला और मैंने ये, फिर बच्चा उल्टा था, उल्टा पहला उल्टा बच्चा करवाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और ऊपर वाले की। खबर दिनेशपुर से, जहां पुलिस को सफलता मिली है। टीम ने अलग अलग मामलों में नाजायज हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के साथ अभद्रता व्यवहार मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। वहीं थाना अध्यक्ष विनोद जोशी का कहना है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तो जो है 2 लड़कों को कल जो है रामबाग गांव के पास से अवैध तमंचे में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। दूसरा जो मतदान के दिन बुकसोरा जो हमारा मत केंद्र था, ग्राम प्रधान सहित कुछ लोगों ने मिसबिहेव किया था, गाली गलौज की थी, उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो नामजद 3 मुलजिम थे वो अरेस्टिंग हुई है, उनको जो है माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है जो नियमानुसार है। उसके बाद कुर्की कार्रवाई जो होती है, वारंट निकाला जाएगा, फिर बयासी की जाएगी, उसके बाद कुर्की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर आदमी को कानून के दायरे में काम करने का अधिकार। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है, जिसके बाद अगर बात लक्सर की करें तो तमाम उम्मीदवारों का सियासी भविष्य 10 मार्च तक के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में कैद हो चुका है। इसके बावजूद जीत का पिटारा खुलने से पहले ही परिणाम का लंबा इंतजार प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को करना पड़ रहा है, जो बेचैनी से भरा हुआ नजर आ रहा है। यानी खुद की और अपने अपने प्रतिद्वंदियों की सियासी और जातीय समीकरण के आधार पर हार जीत का गणित लगाकर जारी है। यही हाल हॉट सीट के रूप में खानपुर विधानसभा क्षेत्र का भी है, जहां चुनावी दंगल का रण पड़ते ही उनके भविष्य का पिटारा खुलने से पहले ही पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा खुद की जीत का दावा किया जा रहा है। जिले में शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है 2 दिन पहले, परंतु हर गली नुक्कड़ पे हर जगह 4 से 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, कोई किसी पार्टी का सपोर्टर, वो अपने कैंडिडेट को जिता रहा है, वो अपने कैंडिडेट को जिता रहा है, और कई बार ऐसी स्थिति में लड़ाई होने का अंदेशा होता है और ऐसी स्थिति में वैसा वैसा भी हो रही है और लोग बाग पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं। अपना काम नहीं है, अपना काम करें और 10 तारीख में जिसे जीतना उसका रिजल्ट आ जाएगा। जिले में शांति। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।